आप लोगों को स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा होगा और इसमें आप लोगों को एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और मुझे लगता है कि आप में से अगर कोई इस जगह गया होगा तो उस जगह को आप लोगों ने पहचान लिया होगा, इस मंदिर को आप लोगों ने जान लिया होगा। और अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं जाना है तो इसके बारे में एक विस्तार से मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि आपको बता दूं ये एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ आप देखेंगे मेला भी लगता है और कई देशों से यहाँ लोग घूमने भी आते होंगे। और खासकर अगर आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी होंगे तो आप लोग इस जगह जरूर गए होंगे। जी हाँ, ये आपका भोजपुर का शिव मंदिर है, इसे आप लोग भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम है अधूरा मंदिर, शिव जी का अधूरा मंदिर। अधूरा मंदिर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक मतें हैं, ऐसे पौराणिक मतों के अनुसार कि माता कुंती जो पांडवों की माँ थी, इनके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांडवों ने एक रात में शिव मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया था। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक रात में पूरा नहीं हो सका और इसीलिए ये अधूरा रह गया और इसीलिए आप लोग इसे अधूरा शिव मंदिर भी कह देते हैं। और आपको बता दूं कि भोपाल से आप देखेंगे तो 30 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ? भोपाल से आप लोग देखिए, हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और यहाँ आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और भोपाल से आप लोग देखेंगे तो लगभग 28 से 30 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा भोजेश्वर मंदिर। और इसके बारे में एक और बात बता देता हूं, ये बैतबा नदी के किनारे है और रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन मध्य प्रदेश का एक जिला है और गोहरगंज तहसील के अंतर्गत आता है। अब बात करें अगर इसे बनवाने की, अगर हम लोग बात करें कि किस महाराजा ने इसे बनवाया था, तो आपको बता दूं कि इसमें इसे बनवाया था परमार वंश के जो राजा भोज थे, इनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। उन्हीं के समय में आप कह सकते हैं इस मंदिर को बनाया गया था। और बेतवा नदी के, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेतवा नदी के किनारे है, और आप सभी को यह भी मालूम होगा कि बेतवा को बेतवती नदी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और एक बात और बता दूं, बेतवा की कुमरी गांव मध्य प्रदेश के ही गांव से गांव है, वहां से निकलती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो आप देखेंगे बहुत ऊंचाई है इसकी, और 8 फीट इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब तो आप देखिए, नीचे से आप लोगों को दर्शन करने होते हैं, ऊपर आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि एक ही पत्थर को काटकर इस मूर्ति को बनाया गया है। और आपको बता दूं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ एक ही मूर्ति को काटकर बनाया गया है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो जंगल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और आप देखेंगे कि काफी अच्छा पवित्र तीर्थ है। और आप लोगों में से देखेंगे अगर जाकर तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे 5.5 मीटर आपको लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी? यहाँ के मंदिर की मूर्ति की बात कर रहा हूं मैं। और 18 फीट के करीब आप देखेंगे। इसके व्यास की बात करें तो 2.3 यानी कि 2.3 मीटर यानी कि आप देखिए 7.5 फिट देखने को मिलेगी। और इसकी अगर हम लोग शिवलिंग की बात करें, किसकी? शिवलिंग की, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी दिखाई आप लोगों को दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो और अच्छे से आप लोगों को बता देता हूं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस शिवलिंग की। तो इस शिवलिंग की लंबाई आप लोगों को 3.85 मीटर देखने को मिलेगी, लगभग 12 फिट देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि यहाँ आप लोगों देखेंगे तो मेला पर मेला लगता है। कब? दो बार मेला लगता है, एक तो मकर संक्रांति पर, एक आप देखेंगे महाशिवरात्रि पर। 3 दिवसीय मेला लगता है। और इस मंदिर को आपको बता दूं कि उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। और महाशिवरात्रि के आसपास आप देखेंगे यहाँ भोजपुर महोत्सव भी किया जाता है। क्या? भोजपुर महोत्सव भी किया जाता है। तो इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि एमपीपीएससी की तैयारी करते होंगे,
तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर में जरूर पढ़ते होंगे। वैसे तो आप लोग यूपीएससी के करते हैं, तो भारत के जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसमें भी इसे आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि एमपीपीएससी में आईएमपी के और भी एग्जाम होते हैं, उनमें जरूर इससे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं हमेशा, इसलिए बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, इस मंदिर को आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस मूर्ति की बात कर रहे हैं आप लोगों से। और इस मंदिर को आप लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा मंदिर लगता है। क्या लगता है? बड़ा अच्छा मंदिर लगता है। आप देखिए, ऊपर सिरे पे आप देखेंगे पुजारी ही जा सकता है, हम लोग उस मूर्ति के ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। हम लोग पूजा इसकी नीचे से ही करते हैं। क्या करते हैं? नीचे से ही करते हैं। और यहां आप देखेंगे काफी पक्षी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस जगह, समझ रहे हैं आप लोग। और ये आप लोग देखिए, यहाँ भी कुछ मूर्तियां आप लोगों को दिखाई देगी, यहाँ भी सामने भी आप लोगों को कुछ मंदिर दिखाई देगी, समझ रहे हैं। और आसपास भी आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा, एक तरह से आप देखिए जगह आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। चारों तरफ पहाड़ पहाड़ देखने को मिलेंगे, जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। बड़ा सुंदर स्थल है आप लोग कह सकते हैं। तो अगर आप लोग जाएं तो यहां जरूर आप लोग देख के आए। इसमें और क्या देखोगे आप लोग? देखिए, यहां आप लोगों को जंगल दिखाई भी दे रहे होंगे, देखते रहिए। देखिए, ये इसी की बात कर रहे हैं, आप लोगों को नीचे खड़े होके पूजा अर्चना जो भी आप लोग करते हैं उसकी करनी होगी आप लोगों को। ऊपर तक सिर्फ आप देखिए पुजारी ही पहुंच सकता है सीढ़ियां लगा के, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट आप लोगों को जो बताए हुए हैं उन्हें जरूर आप लोग याद रखिएगा। और भोपाल से आप लोग देखेंगे तो पास में ही पड़ता है, 28 से 30 किलोमीटर के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डेली। आप देखिए, अगर डेली किसी भी दिन आप लोग जाइए, यहाँ आप लोगों को लोग देखने को ही घूमने आते रहते हैं लोग, बढ़िया जगह होने के कारण। देखिए, ये आपकी नदी जा रही है यहां से, ठीक है? आगे आप देखेंगे सामने आप लोगों को, ये देखिए नदी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ, बैतवा नदी, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसका नाम बैतवती भी है, ठीक है? उसी नदी की बात कर रहे हैं। कमल का फूल भी आप लोगों को नीचे पूजा के लिए मिलता है, आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को जरूर आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से और अच्छा, यहाँ से आप लोग देखिए नीचे से आप लोग आएंगे, यहाँ आपकी कार या आप लोग किसी वाहन से जाएंगे तो वहां से नीचे से ऊपर आएंगे आप लोग। देखिए, आप लोगों को सामने दिखाई भी दे रहा होगा, इस तरह का रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ मूर्तियां आप देखेंगे नीचे छोटी छोटी लगी रहती है ना, उसी तरह आप लोग भी देख सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जंगल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए लोग दिखाई भी दे रहे हैं आप लोगों को। देख रहे होंगे ना आप लोग, एक पूरा पत्थर ही पत्थर का ही एक तरह से बना हुआ है। उस समय आप जानते भी हैं वह उस समय कहाँ सीमेंट मेमेंट का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। इस तरफ से आप देखेंगे तो यहां से आप लोग जाएंगे और इस तरफ से आप लोग निकलते हैं। यहाँ कुछ यहाँ भी आप लोगों को छोटे छोटे मंदिर बाहर सामने इसके जस्ट दिखाई देंगे, ठीक है? आराम से अगर आप लोग अपने वाहन से रहते हैं तब भी आप लोग पहुंच सकते हैं। भोपाल से आप लोग ओला या कुछ भी टैक्सी बस भी जाती है, उससे भी आप लोग आराम से आप लोग घूम सकते हैं। देखिए, सामने आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा।
और भोपाल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल, समझ रहे हैं आप लोग। और ये मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वही मध्य प्रदेश है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सन 2000 तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, छत्तीसगढ़। अब आपका मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर है क्षेत्रफल में, और आपका राजस्थान पहली नंबर पर है, ठीक है? तो उसी की बात कर रहा हूं। इसे भी आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा है कुछ? शंकर दयाल शर्मा, जो मध्य प्रदेश के आप लोगों को मालूम भी होगा, महामहिम राष्ट्रपति जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने मध्य प्रदेश शासन की धरोहर के लिए उद्योग योजना के अंतर्गत से मंदिर भोजपुर की एवं विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। तो आप समझ सकते हैं, ये कुछ पट्टियां आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ काफी पट्टियां भी लगी हुई हैं, उन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है कि जब भी आप लोग इस तरह की कहीं तीर्थ पर जाते हैं, किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां जो पट्टिकाएं लगी रहती हैं, वो उन्हें उन पर इसके बारे में, इस जगह के बारे में जानकारी दी रहती है। तो उसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया करिएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतिहास कंप्लीट होता है, आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति कंप्लीट होती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग घूम भी लेते हैं, और आपका एक तरह से कुछ चैप्टर भी आप लोगों का कवर हो जाते हैं इससे। एक आप देखते हैं ना कि मुख्य मंदिर होता है, उसके आसपास छोटे छोटे और मंदिर बनाए जाते हैं, ये हिंदू धर्म में काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी तरह आप भी देख रहे होंगे, इससे वीडियो में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आसपास छोटे छोटे मंदिर भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। रायसेन जिले में पड़ता है, याद रखिए, मध्य प्रदेश का एक जिला है। देखिए इस पर आप लोग देखिए, इस पर कुछ लिखा हुआ है, इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दिखाई देगी। जो परमार राजा भोज थे, उन्हीं के प्रथम के द्वारा ऐसे बनवाया गया था, एक तरह से इनका कहने का मतलब है। इस पर आप जाएंगे तो इस पर काफी आप लोगों को एक तरह से जो भी जानकारी इसके बारे में है, वो सब कुछ देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है, और आप सभी जानते भी इस बात को तो कि शिव भगवान को कितना मानते हैं हिंदुओं में, और शंकर जी सोमवार आप लोग सभी जानते होंगे, सावन सोमवार आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भी आप देखिए क्या है, शिव मंदिर भोजपुर 11वीं शताब्दी के राष्ट्रीय स्मारक पर आपका स्वागत है। तो ये भी आप लोग नीचे, हम लोग नीचे उतर रहे हैं, देखिए पर्यटकों के लिए कुछ स्मारक, संरक्षित स्मारक, ये भी कुछ है, नोट दिए गए, इन्हें भी आप लोग पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। देखिए मैप है इसका, इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को इस मैप पर मिल जाएगी। और जैसे ही आप लोग आएंगे तो ये गेट है, मेन गेट है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और इस जगह आप लोग उतरेंगे, और यहाँ से आप लोग इस गेट से आप लोग अंदर एंट्री लेंगे, ठीक है? यहां से आप लोग जाएंगे, और आपको बता दूं इस मंदिर में जाने का कोई चार्ज नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को बता दूं मैं। तो जब भी इस तरह की किसी मंदिर जाया करेंगे तो जरूर आप लोगों को बताया करेंगे, ठीक है, वहां के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरह से अगर उस मंदिर की तस्वीर लेकर या उस मंदिर के बारे में हम लोग एक तरह से आप देखिए कि उसकी वीडियो लेकर बताते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग याद रख पाओगे इस मंदिर के बारे में, ठीक है? तो आप लोगों को ये मूर्ति दिखाई भी दे रही है, कभी आप लोग जाइए तो देखिए आप लोग।
लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसके ऊपर नीचे चढ़ने दिया जाता है। आप लोग यहाँ नीचे खड़े होकर एक तरह से दर्शन करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आपको बता दूं, एक भारत भ्रमण के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना देता हूं। जब भी किसी इस तरह की किसी जगह पर जाया करेंगे, जो फेमस जगह है, फेमस प्लेस है, तो उनके बारे में जरूर हम लोग पढ़ा करेंगे, जरूर हम लोग बातें किया करेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग जब भी टाइम मिलता है तो अब हम लोग भोपाल में एक और आप देखेंगे घूमने लायक जगह है, वो है आपका वन विहार। और जहाँ हम लोग टाइगर देखेंगे, शेर देखेंगे, चीता देखेंगे, भालू देखेंगे, और क्या क्या जानवर हैं उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, उन्हें भी देखेंगे हम लोग लाइव, ठीक है?